अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं करने वाली हूँ दिवाली मेकअप लुक। अगर आपको ये लुक पसंद आएगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सपोर्ट मी गाइस, लेट्स गेट वीडियो स्टार्टेड। अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे प्राइमर, ये नायका का प्राइमर है। इसे मैं अच्छी तरीके से अपने फेस में अप्लाई कर लूँगी। मैंने मॉइस्चराइज़र नहीं अप्लाई किया क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, इस वजह से मैंने उसे स्किप किया। अब यहाँ पे मैं नायका का फाउंडेशन ले रही हूँ। इसे मैं अच्छे तरीके से उंगली की हेल्प से अपने फेस पे अप्लाई कर ले रही हूँ और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। अच्छे तरीके से इसे ब्लेंड कर लीजिए आप। आफ्टर ब्लेंडिंग आप यूज़ कर सकते हो कंसीलर, बट मैं कंसीलर यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे शुगर का कॉम्पैक्ट। इससे मैं अपने बेस को सेट कर ले रही हूँ गाइस। आपको हमेशा कॉम्पैक्ट की हेल्प से अपने बेस को सेट करना है जिससे आपका मेकअप और लॉन्ग लास्टिंग बनता है। अच्छी तरीके से मैं कॉम्पैक्ट की हेल्प से सेट कर ले रही हूँ अपने फाउंडेशन को। और गाइज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे कंसीलर यूज़ नहीं की हूँ क्योंकि मेरे को कोई भी डार्क स्पॉट नहीं है, डार्क सर्कल नहीं है। आप वैसे यूज़ कर सकते हो अगर आपको डार्क स्पॉट वगैरह डार्क सर्कल वगैरह होंगे, तो मैंने नहीं यूज़ किया क्योंकि मुझे नहीं है। और अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप स्विस ब्यूटी का यूज़ कर सकते हो। मैं स्विस ब्यूटी का यूज़ करती हूँ और ये बहुत अच्छी कवरेज देता है गाइज़, बहुत ज़्यादा ही अच्छी कवरेज होती है इसकी, तो आप यूज़ कर सकते हो इसको। अब मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का आई शेडो पैलेट, कलर मी ऑन इसका नेम है। मैं इससे अपने क्रीज लाइन को डिफ़ाइन करूँगी। पहले हमेशा हमें लाइट शेड यूज़ करना चाहिए अपने आईलिड पर। हमें अपने आई मेकअप को अच्छे से धीरे धीरे ब्लेंड करते जाना है गाइस। ऐसे नहीं कि लगे हमारे आई मेकअप के खाली कलर हम लोग ने रख लिए, इसलिए अच्छे से ब्लेंड करते जाओ। अब मैं थोड़ा डार्क शेड ले रही हूँ क्रीज लाइन को और ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करने। लाइट शेड से हमें शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे डार्क शेड की तरफ बढ़ना चाहिए। सेकेंड स्टेप हमारा ये क्रीज लाइन को डिफाइन करना है थोड़े से डार्क आई शेडो से। देखिए मैं कैसे धीरे धीरे से अप्लाई करके अपने क्रीज लाइन को डिफाइन कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा आई शेडो लेके अपने क्रीज लाइन को डिफाइन कीजिएगा। मैंने अपनी क्रीज लाइन को डिफाइन कर ली हूँ। अब मैं थोड़ा सा और डार्क शेड लेने जाऊँगी, आपको शो कर रही हूँ यहाँ पे। मैं अब यहाँ पे डार्क ब्राउनिश कलर है ये पीची सा, मैं वो यूज़ कर रही हूँ अपने आउटर वी पे। हमें इसे अपने आउटर वी पे ही अप्लाई करना है, पूरी आईलिड पे नहीं अप्लाई करना है। अच्छे से ब्लेंड करना है गाइस, धीरे धीरे हमें अच्छे से उसको ब्लेंड करना है। ऐसे नहीं लगना चाहिए खाली कलर हम लोग ने रख लिए अपने आईलिड पर। जितना ब्लेंडेड आपका आई मेकअप रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा लुक आएगा, इसलिए इसको आई मेकअप करने को थोड़ा टाइम लीजिए, धीरे धीरे करके कीजिए, पर अच्छे से कीजिए जिस तरह से मैं धीरे धीरे से कर रही हूँ। मैंने अपने दोनों आईलिड को अच्छे से डिफाइन भी कर ली हूँ और मैंने अपने आउटर वी को भी डिफाइन कर ली हूँ। अगर आपको लाइट लग रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके डार्क शेड यूज़ कर सकते हो अपने आउटर वी पे। अब मैं एकदम ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर लेने वाली हूँ अपने आई शेडो में और इसे भी अपने आउटर वी पे ही प्लेस करूँगी मैं। इससे एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल स्मोकी सा लुक क्रिएट होगा, बट हमें फुल आईलिड पे नहीं अप्लाई करना है, हमें आउटर वी पे ही अप्लाई करना है। मैंने अच्छे से अपने आउटर वी को डिफाइन कर ली हूँ। अब मैं एक फ्लैट आई शेडो ब्रश की हेल्प से अपने आईलिड को डिफाइन करूँगी। उसके लिए मैं ये कलर ले रही हूँ जो मेरे कपड़े के मैच हो रहा है और अपने लोअर लैश में भी वही कलर लगा लूँगी। मैंने फॉल्सीज अपने ऑफ कैमरा लगा ली हूँ। अब मैं आईलाइनर की हेल्प से अपने आईलैशेस के बैंड को हाइड करूँगी गाइस, और आईलाइनर की हेल्प से मैं काजल भी अप्लाई कर ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का
आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, इससे मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। अब स्पूली की हेल्प से, आईब्रो पेंसिल के साथ ही आई थी स्पूली, उससे मैं अपने आईब्रोज़ को शेप दे दूँगी। अब मैं कॉन्टोर कर लूँगी इसी आई शेडो पैलेट की हेल्प से, डार्क शेड लेके मैं अब कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। अब मैं नोज़ कॉन्टोरिंग कर रही हूँ गाइज इसी आई शेडो पैलेट की हेल्प से, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है ये आई शेडो पैलेट। अब मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, सो मैं पीच कलर का ब्लश अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरा कपड़ा थोड़ा थोड़ा सा पीच कलर का है। अब मैं हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी गाइज, मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। मैं अपने नोज़ को हाइलाइट कर ले रही हूँ। हाँ, नोज़ को हाईलाइट करने के बाद मैं अपने चिन को हाईलाइट कर लूँगी। अपनी जो चिन बोन होती है उस पर हमें हाईलाइटर अप्लाई करना होता है। हाईलाइटर हमें थोड़ा सा ही लेना होता है ब्रश पे, क्योंकि हम अगर ज़्यादा ले लेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है। और ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है, इसको मैं अच्छे से अप्लाई करने के बाद अब अपनी लिपस्टिक अप्लाई कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने माइग्लैम की LIT लिपस्टिक ली हूँ, लिक्विड लिपस्टिक। आफ्टर अप्लाइंग मैं अब नायका की लिपस्टिक उसके ऊपर से अप्लाई कर ले रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अलग कलर हो रहा था, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने इसे अप्लाई कर ली हूँ अपनी उस लिपस्टिक के ऊपर से। गाइस ये मेरा फाइनल फिनिश लुक है। गाइज उम्मीद करती हूँ ये दिवाली लुक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे। बाय, अल्लाह हाफिज़।